आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो लोग पूजा करते हैं और जो पूजा नहीं करते उनकी लाइफ में कितना बड़ा अंतर होता है। इस वीडियो में हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि पूजा करने वाले के साथ कैसा फील होता है, पूजा नहीं करने वाले के साथ कैसा फील होता है। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है एकदम। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें आपको हम जो बताएंगे, जिससे कि आप अगर किसी भी विपत्ति में फंसे हैं तो आप अपनी चीज़ों को सही से समझ सकें, सही गाइडेंस मिल सके आपको। वही हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए जो लोग पूजा पाठ नहीं करते उनकी लाइफ पूजा पाठ करने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। पूजा पाठ नहीं करने वाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पूजा नहीं करते उनकी लाइफ बिना प्लेटफॉर्म के चलती है, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। पूजा पाठ करने वाले की के साथ में ये जो बेनिफिट होता है कि उसकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चलेगी, नेगेटिव एनर्जी उससे हमेशा दूर रहती है। और जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग हमेशा अच्छे विचार सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, उनके अंदर एक अच्छी क्रिएटिविटी आती है। और पूजा पाठ वाले व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी लेवल होता है जो कि हमेशा उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेके चलता है। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करता उसकी लाइफ तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि मान लो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए पूजा पाठ वाले का हमेशा मन एक चीज़ में लगा रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करता है वो व्यक्ति हमेशा भटका भटका रहेगा। उसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। जैसे कि मान लो अगर आपको लगता है कि आप पूजा पाठ नहीं करते और एक आपके साथ का या आपका पड़ोसी या फ्रेंड कोई भी पूजा पाठ करता है तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये होता है कि पूजा पाठ वाले को कभी पॉजिटिव एनर्जी फील ही नहीं होती। उसके अंदर जो है हमेशा ऐसा लगेगा, आलस रहेगा, कुछ भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, बिल्कुल डिफरेंट। और नेगेटिविटी रहती है, जैसे मीट मछली ये सब चीज़ें बहुत पसंद करते हैं वो, और गलत सोच के विचार आते हैं उनके अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के साथ में होते हैं। लेकिन पूजा पाठ वाले के साथ में क्या होता है, पूजा पाठ वाला व्यक्ति हमेशा अपना एक डायरेक्शन लेके चलता है, उसका मन हमेशा एक जगह पे रहता है और उसके अंदर एक नई एनर्जी लेवल होती है, नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है। ये सारी की सारी क्रिएटिविटी उसके लिए आगे चल के धीरे 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 बहुत बड़ा लक्ष्य पे ले जाते हैं। वो हमेशा पूजा पाठ नहीं करने वाले से हमेशा ज़्यादा एनर्जी फील करता है। और हम आपको बताते हैं, जो आदमी या मतलब जिस आदमी के घर में पूजा नहीं होती उसके घर में हमेशा
दरिद्रता, आलसपन, गंदगी, ये सब चीज़ें हमेशा रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगे कि आपके घर में हर समय कोई एक बंदा परेशान ही है, जैसे मान लीजिए चार लोग हैं, पांच लोग हैं, तो एक बंदा कोई तबीयत खराब रहती ही है उसकी, एक की तबीयत खराब होगी तो फिर वो जब तक सही होगा तब तक दूसरे की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तीसरे की हो जाएगी। मतलब वो पैसा कमाएगा लेकिन उसका पैसा नेगेटिव एनर्जी में जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के साथ में रहती हैं। उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी हमेशा पूजा पाठ वाली जगह पे, साफ सफाई, साफ सुथरी जगह पे आती हैं। उन्हीं के लिए वो सुटेबल हैं। जो गंदगी में रहते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग चलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत हम आपको बताते हैं, जैसे पूजा पाठ से कितना फ़ायदा है आपके घर में, मतलब आपके परिवार में लगभग सारे के सारे लोग, अगर पूरे परिवार के लोग पूजा करते हैं तो पूरे परिवार के अंदर एक एनर्जी रहती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको आप धीरे धीरे फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसकी हमेशा सभी लोगों से बोलचाल अच्छी होगी, गुस्सा नहीं आएगा उसके अंदर, एकदम शांति रहेगी, उसके घर में शांति रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। और फिर देखिए, थोड़ी बहुत तो परेशानी इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, जो भी हैं, सबको झेलनी है। परेशानी, उतार चढ़ाव ये तो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ वाले को परेशानी फील नहीं करनी पड़ती, उसको भी करनी पड़ती है, लेकिन वो परेशानी काफ़ी हद तक कम होती है। उसके घर में हमेशा चीज़ें अच्छी अच्छी रहेंगी, एक एनर्जी लेवल बनेगा जिससे कि उनके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी जो है पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ बताएं हम आपको, जो पूजा पाठ करते हैं उनसे लोगों को कभी आपत्ति नहीं होती। अब पूजा पाठ करने वाले और नहीं करने वाले में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मान लीजिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई दूर का आपसे जलने लगा, अरे ये तो बहुत पैसा कमाने लगा, तो वो कुछ तांत्रिक क्रिया करवा सकता है आपके ऊपर। जो पूजा पाठ नहीं करता है उसको तो कभी पता ही नहीं चलता कि जो है उसके ऊपर कुछ कर दिया गया है। उसको रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और बीच में कुछ जादू टोना, तांत्रिक विद्या कर दी, आपका काम खराब हो गया। जलने वालों की कमी नहीं है, मुंह पे सब अच्छा अच्छा कहेंगे लेकिन पीछे सब आपके लिए खराब खराब सोचेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो पूजा पाठ वालों के साथ में रहती है। तो पूजा पाठ वाला हमेशा तांत्रिक चीज़ों से बचा रहता है, उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी नहीं हो पाती। और अगर हावी होने की कोशिश भी करेगी तो उसके साथ में उसको पहले से आभास होने लगेगा, उसको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरा ये काम खराब होने वाला है या मेरा ये काम बनेगा। तो इसी प्रकार से हमको ये सारी की सारी चीज़ें समझनी है। हम आपसे हमेशा कहना चाहेंगे
कि अगर आप पूजा नहीं करते तो ज्यादा पूजा मत करिए, थोड़ी कर लीजिए, प्रभु का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान ने सबको बनाया है, हमको, आपको, अड़ोसी पड़ोसी, मित्रगण, सबको भगवान ने बनाया है। भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पूजा पाठ करें, जिससे कि नकारात्मक चीज़ों से हम लोग बच सकें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे, और भी इससे अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए हम लेके आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो महाकाल, जय हो महाकाली, जय हो मेरे प्रभु, जय श्री राम।